क्योंकि जो हमारी ट्रेन है वो सूरत से गोवा के लिए वो सुबह 7 बजे की है और अभी फिलहाल जो टाइम हुआ है वो 2:55 है। सो हमें अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम पास करना है तो मैंने सोचा व्लॉग बना ले। ये मतलब यहाँ पे A to Z बंदे आपको सिर्फ मोबाइल में, ये बंदे को छोड़ के, ये बेचारा इसको छोड़ के यहाँ पे सब मोबाइल में लगे हुए, कोई इंस्टा देख रहा है, देख रहा है, ये देखिए सब, मतलब भाई साहब क्या सीन है यार, एक नंबर। जो वीडियो बना रहा है वो भी देख रहा है। फन फैक्ट ये है कि जो वीडियो बना रहा है वो भी मोबाइल ही देख रहा है। Five minutes later. So, यहाँ पे अभी हम टाइम देखते हैं कितने बजे, अबे दिखना। So, basically अभी टाइम हुआ है 3:30 और ये आप पूरा सुन देख सकते हैं रात के 3:30। ये देखिए तनिष, अभी हम अंदर जाते हैं, वहाँ पे सब सोए हुए, ये देखिए वहाँ पे सब सोए हुए। बेसिकली ये एक रिसाइकल वाटर बॉटल वाले, यहाँ पे हमें बॉटल डालनी है और वो बॉटल रिसाइकल होके उसमें स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और ये कौन सी ट्रेन है क्या पता, अभी हमारी ट्रेन अभी सीधा 7 बजे की, अभी बेसिकली जो हमारी अगली ट्रेन है वो अभी सीधा 7 बजे की है, तो अभी हमें तब तक टाइम पास करना, देखते हैं तब तक क्या होता है। ये देखिए नीरज को यहाँ पे अभी 3:30 चाय पीनी है। ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है, वो भी सर इसे परमिशन लेने के पीछे क्योंकि मैं उसको चाय पीने है, तो मुझे तो नहीं पीनी क्योंकि सर ने बोला है ये टाइम पे चाय नहीं पीते। ये देखिए गाइस कुछ लोग यहाँ पे फ्री फायर खेल रहे हैं और ये समझ रहे हो ना। बेसिकली प्रॉब्लम है कि हमने सबको बोला कि हमको बाहर जाना है, बहुत ज्यादा बोर हो रहा है एक छोटे से रूम के अंदर, पर सर बोले एडजस्ट करना पड़ेगा। सो गाइस अभी आप देख सकते हैं हम अभी स्टेशन से बिल्कुल निकल ही गए और यहाँ पे फॉग बिल्कुल, ये देखिए सर आ जाएंगे इतने सब, तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं गोवा के लिए। ये देखिए यहाँ पे पूरा मतलब बहुत ज्यादा फॉग है, बहुत सही लग रहा है भाई। हम यहाँ पे सब ट्रेन के लिए वेट करते हुए आगे जाते हैं। अभी हम यहाँ पे रुके हैं और ट्रेन की वेट कर रहे हैं, सो जब तक ट्रेन आती है हम यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करेंगे। ये देखिए ये भाई साहब का आवाज बैठ गया इधर। ये हमारे यश बहुत खुश नजर आ रहे हैं आज दिन भर सोने के बाद, ये मुस्कुरान भरा चेहरा, मास्क निकाल लीजिए सर। तो चलिए शुरू करते हैं गलान गुलानों कर जो। सो गाइस अभी हम निकल गए हैं, अभी हम गाइस हमारी ट्रेन अभी यहाँ पे इस पहाड़ों में रुकी है, आप सीन देख सकते हैं बहुत सही है, वहाँ पे सर हमारे फोटो शूट कर रहे हैं, ये ऋषभ ये है, बाकी के सब ऊपर कराटे मार रहे हैं। ये देखिए भाई पूरे पहाड़ी पहाड़ एक जंगल में हमारी ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई है, चप्पल पूरे भाई पहाड़ी पहाड़ देखने को आपको मिलेंगे यहाँ पे। ये देखिए गाइस आप मेरे पीछे पूरा देख सकते हो,
पूरा मतलब यहाँ पे पूरा पहाड़ी पहाड़ी खाई एकदम खतरनाक सीन है। टोटल अभी हम ऐसे जाएंगे गोवा और ये देख सकते हैं आप पूरा ट्रेन दिखता है यहाँ से बहुत सही है। अभी ये सोच रहे कि यहाँ पे ट्रेन ने स्टॉप क्यों ले लिया, सो देखते हैं आगे ट्रेन ने स्टॉप क्यों लिया। हाँ वो भी है, आई थिंक फोटोशूट के लिए लिया होगा। नहीं सौरभ जोशी के बाद पार्क, सौरभ जोशी का इंस्पिरेशन, सौरभ जोशी के बाद पार्क का नंबर, सौरभ जोशी के बाद हमारे पार्क जी का ही नंबर है फ्रॉम आई। कितने मिले? 50 मिलियन कह रहे सब्सक्राइबर होंगे इनके। मेरा सस्ता आईफोन उसमें मैं खेलता हूँ ट्रिगर वगैरह लगा के, सस्ते ट्रिगर लगा के पबजी, सस्ता पबजी खेलता हूँ मैं। ये नचिकेत भाई साहब और जय सबसे सब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है गोवा आने के लिए। कब गोवा आएगा? हाँ सही, गोवा जाने के लिए। वाह गाइस, यहाँ पे ना मतलब पूरा ये जंगल है, आपको दिख रहा होगा एकदम मतलब पूरी झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ और पहाड़ी पहाड़ यहाँ पे, और यहाँ पे लीपर्ड भी मतलब लीपर्ड का आना जाना तो होता ही रहता है रात के टाइम पे। ये देखिए यहाँ पे कुछ कॉशन दिया गया है, सावधान इसका इस्तेमाल हेतु करें, कॉशन फॉर मोबाइल कॉशन, यानी कि इसका मतलब आप यहाँ पे लैपटॉप चार्ज करने के लिए इसका ऊपर बिल्कुल नहीं कर सकते, और ये क्या पता चालू ही होगा। और वन चालू, तो फाइनली हमें इसके ऊपर जगह रास्ता पता चल गया। वो जो ट्रेन आप देख रहे हैं ये सिंगल लाइन रास्ता है, सो ये जो हमारी ट्रेन है वो वाली ट्रेन का वेट कर रही थी, अभी हम निकलते हैं कि हमारी ट्रेन भी निकल जाएगी। मुझे पता नहीं ये इतने हंस क्यों रहे हैं, मुझे देखिए देखिए अभी हमारी ट्रेन भी गिरना स्टार्ट हो गई है, अभी हम भी जाएंगे। फाइनली काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद हमारी ट्रेन निकल चुकी है। देखिए यहाँ पे आप पूरा सीनेरियो देख सकते हैं, बहुत ही सही तगड़ा है। और सजन जब पास ना आए, ओ दिल पे लात लगाए, ओ मेरे तू दुश्मन हो ना दुश्मन क्यों हो, ओ बलमा क्यों हो, तूने मेरी ढोल बजा दे, ये ऐसे कैसे नाच नचा दे, ओ मेरे तू दुश्मन हो ना दुश्मन कैसे, तू मेरा रोज कम लिटिल क्लोज, तू मेरा रोज कम लिटिल क्लोज, तेरी आदत है रात रात, तेरी आदत है रात रात, चुली ली ली भिन तेरे के डा डा डा। देख सकते हैं पूरी यहाँ पे रेड सॉइल देखने को मिलेगी, क्योंकि ये रत्नागिरी है और गोवा और कोंकण रत्नागिरी में आपको रेड सॉइल देखने को मिलती है। बहुत मस्त है यार, बहुत ठंडा ठंडा भी है, थोड़ा डेंजरस भी दिखता है, पर कुछ नहीं बहुत मस्त है यार। देखिए यहाँ पे मस्त बेंच वगैरह है बैठने के लिए, ये देखिए ये सावड़ी, सावड़ी बहुत मस्त है यार। ये देखिए यहाँ पे पूरा रेड सॉइल है, क्योंकि अभी हम गोवा में एंटर मतलब रत्नागिरी में एंटर कर चुके हैं। ये सावड़ी का ये रेलवे स्टेशन में हमारी ट्रेन रुकी है,
सो राइट नाउ अभी हमें सावड़ी में और गोवा पहुँचने में तो हमें 1-2 घंटे और लगेंगे, लेकिन जो यह आपका जो मौसम है ना वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा, एकदम कूल और कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। मेरे तो कैलिकट से ऊटी जाने, ऊटी अच्छा हिल स्टेशन, हाँ एंड मैसूर, मैसूर योर टीम टूर, हाँ वडोदरा पटेल गुजरात यूनिटी स्टैच्यू, यूनिटी स्टैच्यू नहीं गुजरात, नॉट गुजरात वडोदरा, वडोदरा। चलो बाय बाय सुरवाड़ा, अभी हम निकल रहे हैं सुरवाड़ा से। ये देखिए बहुत सही है यार, वाओ। आपका ये ब्लॉगर हंस रहा है मेरे ब्लॉगिंग पर इतनी। सौरव जोशी से, सौरव जोशी से, जोशी से अच्छी ब्लॉगिंग करने वाला बंदे पर हंस रहा है। थैंक यू। अभी ऐसी ब्लॉगिंग हम नीरज से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये ब्लॉगिंग चैनल जो अच्छा प्रमोट हो गया तो वो भाई गेमिंग चैनल पे एक बनाने वाले हैं, ऐसा ही कुछ नाम से, नाम तो फिक्स करा नहीं है पर बनाने वाले हैं। तो हर संडे सैटरडे उसमें गिवअवे होगा। हाँ चल ठीक हो गया, बोल उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right here. Can't be right here. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. When I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe in love. For me to trust, and I'm afraid that I'ma fuck it up. Ain't no way that I can leave you stranded, 'cause you ain't never left me empty-handed. And you know that I can't live without you. So baby, stay. Oh, 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 oh. I'd be fucked up if you can't be right here. I do the same thing I told you that I never would. Told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Yeah. I do the same thing I told you that I never would. Told you. ये देखिए इसको, ये पूरी मतलब A to Z आप इसे रेड सॉइल कह सकते हो। और ये आपको सिर्फ केरला कोकन और रत्नागिरी के भाग में ही देखने को मिल जाएगी। तो देखो गाइस, मयूर यहाँ से ये सेंगना में लेके आया है मूंगफली, और इसे यहाँ पे मजे ले लेके। क्या गिरा चार्जर, और अभी हमारी ट्रेन कहाँ पे जा रही है मुझे खुद को पता है, वहाँ पे पैसेंजर आपको दिख रही हूँ। और अभी हम रुके हैं रेलवे स्टेशन पे, मयूर और वो थोड़ा घूमने को गए हैं कंपार्टमेंट के अंदर। तो अभी हम फिलहाल जो है रत्नागिरी के थोड़ा सा 15-20 किलोमीटर आगे कोई विलेज है, वहाँ पे तो गोवा पूछते पूछते हमें तो 10 बज जाएंगे। फिर देखते हैं उसके बीच में क्या बातचीत होती है। तो अभी हम गोवा वाले कंपार्टमेंट से हमारी पहली वाली कंपार्टमेंट जा रहे हैं।
से थोड़ी बातचीत कर रही है। और ये जो ट्रेन है इतनी खतरनाक ट्रेन है भाई, चलने को भी खतरा। हाँ गाइस, अभी पार्क हमारे में आया था तो हमने तनिष्क, ऋषभ और नीचे बैठे हैं सर। सर उतरा हुआ में जाने का वक्त कैसा है? और ये पार्क तो मुकुल जी का है जी के सर, ये क्या डरते हैं आप? सच बता सर, सर हाय करूं जा ना। ओ सर अभी आप अच्छी उड़ा मुंगरे सर, हाय सर हाय करूं जा ना सर, हाय करूं जा ना। हां हां हाय तो ये जो ट्रेन का कंपार्टमेंट का खाने पीने का सब यहाँ पे ये संभालते हैं। ये देखिए ये अभी जो किस तरह के को किचन भी कह सकते हैं, देखिए यहाँ से ये सब कुकिंग वगैरह का काम ये सब सब ये करते हैं। ये देखिए ये इन्होंने खिचड़ी बना के रखी है। चलो वन आवर लेटर। सो गाइस फाइनली वी आर इन गोवा। सो फाइनली हम गोवा में एंट्री कर चुके हैं। ये है गोवा का रेलवे स्टेशन। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। सो गाइस फाइनली हम गोवा के अंदर आ चुके हैं और जो अभी हम यहाँ से फोटोशूट वगैरह किया, व्लॉग बना रहे हूँ। और अभी हम जा रहे हैं हमारी बीच रिसोर्ट पे जो कि है कैलंगुट बीच रिसोर्ट पे, यहाँ से 15 किलोमीटर है। सो सर ने टैक्सी बुक की है तो चलिए लेट्स गो। सो फोटोशूट वगैरह होता है। ये पूरा है रेलवे स्टेशन गोवा का, मडगांव का। और ये मयूर, अभी हम जा रहे हैं बीच रिसोर्ट पे, खाना वगैरह खाएंगे और रेस्ट करेंगे, फिर कल प्रैक्टिस के लिए जाएंगे सुबह। बेटा तुमसे ना हो पाएगा नहीं।